अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपट फटाफट और बहुत घर के ही मसालों से बनती है। तो यहाँ मैंने पास है 1 kg गोश्त, जिसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 teaspoon धनिया पाउडर और 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बहुत यमी जो है ये बनता है, इसके अंदर बहुत अच्छा सा जो है वो मसाला रच बस जाता है गोश्त में। उसके अलावा जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी, यहाँ मेरे पास है कोरमा मसाला 1 टेबल स्पून, बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून, ये दोनों मेरे होममेड है, धनिया पाउडर 1 teaspoon, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, क्योंकि राइस में भी नमक जाएगा और जो मैंने गोश्त का लाया था उसमें भी नमक है। 1 टेबल स्पून मेरे पास है रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon जीरा, 2 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर, 5 अदद है मेरे पास टमाटर जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, और 1 प्याली है मेरे पास दही, इसको मैं पलट लूँगी, और 3 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई प्याज। 1/2 teaspoon मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल में अब मैं डाल दूँगी सबसे पहले अपना गोश्त जो कि हमारा बॉयल है। गोश्त जो है वो मैंने डाल दिया है अपना ऑयल में, और मैंने जिसके अंदर पानी था जितना भी इसके मसाले का, वो मैंने एक प्लेट में साइड में निकाल दिया है। ये देखें, हम यही यूज़ करेंगे जब हम मसाला भूनेंगे और हमें लगेगा कि पानी की ज़रूरत है, तो हम यही मसाला यूज़ करेंगे, हम जो है वो सादा पानी यूज़ नहीं करेंगे। ये डाल दिया है, इसके साथ ही मैं डाल दूँगी अपने तमाम मसाले और दही, और साथ ही मैं डाल दूँगी मैं इसके अंदर टमाटर, टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर, और मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपने तमाम ड्राई मसाले। आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला नहीं डाला, उसका रीज़न ये है कि साबुत गरम मसाला जब मैं चावल बॉईल करूँगी तो मैं उसमें डालूँगी। उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई प्याज 3 to 4 टेबल स्पून, और मैं इसमें डाल दूँगी दही, और ये खूब अच्छे से भुनेगा। और इस बिरयानी में मैं आलू नहीं डालूँगी क्योंकि ये वैसे ही बहुत मज़ेदार बनती है, तो मैं इसमें आलू नहीं डालूँगी। देखें, तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, और अब बस मैं इसको भूनूंगी। इसको मैं इतना भूनूंगी कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम होके और घुल जाएं गोश्त के अंदर, और हमारी जो है वो सारा मसाला यकजा हो जाए। 15 से 20 मिनट में इसको भूनूंगी, उसके बाद मैं इसको लगा दूंगी दम। बहुत ही सिंपल जो है ये बिरयानी बनती है, आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप फटाफट तैयार कर सकते हैं। इसका बस ये होता है कि आप बीफ जो है मसाला लगा के बॉईल नहीं कर सकते वैसे भी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो गोश्त हमारा ख़राब हो रहा है, और ये बिल्कुल फ्रेश अगर आप उबाल लेंगे तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा बनता है ये। तो बस अब मैं इसको भूनूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसको कि मुझे इसको किस तरह से फाइनल लुक देनी है, मतलब किस तरीके का ये मसाला भुना हुआ होगा हमारा। इसको मैंने कर दिया है कवर, 10 मिनट तक मैं इसको बिल्कुल कवर जो है वो इसका नहीं हटाऊंगी, ढक्कन 10 मिनट के बाद हटाऊंगी ताकि मेरे टमाटर वगैरह सब अच्छे से नरम हो चुके हों। कट हो गए हैं, अब मैं इसका ढक्कन खोल के इसकी सूरत हाल देख रही हूँ कि क्या सिचुएशन है। देखें, टमाटर अच्छे से हमारे नरम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी भुनाई होनी है। देखें, अब ये भुन रहा है, अब इसको मैं मज़ीद भूनूंगी। अगर जैसे मुझे लगेगा कि पानी की ज़रूरत है तो मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, तो फिर मैं मसाले का जो पानी है मैं यही यूज़ करूँगी। बस इसको भून के और उसके बाद मैं चावल बॉईल करके दम लगा दूँगी। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे मज़ेदार से बनती है ये। हाँ, मेरे पास 5 कप जितने चावल हैं जिसको मैंने भिगो दिया है। अब जो है ये तकरीबन हमारा मसाला भुनने वाला है। अब मैं चावल का पानी रख दूंगी बॉईल होने के लिए। यहाँ मैंने ले लिया है 8 ग्लास पानी, और इसमें मैं डालूंगी नमक। मैं इसमें नमक डालूंगी 4 टेबल स्पून, क्योंकि हमने बिरयानी के मसाले में भी डाला था और जब गोश्त गलाया था तो उसमें भी डाला था। मिक्स गरम मसाला मैंने इसमें डाला है, बादियान के फूल, स्टार लीव, बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्चें, ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें डाल दूंगी अपना ऑयल, और इसमें जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी चावल।
देखें सब चीज़ें डाल दी है मैंने, और अब इसको जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी चावल अपने, उसके बाद मैं इसको दम दे दूंगी। चावल मेरे हो गए थे, इसको मैंने छान लिया है और अब मैं इसमें लगा दूंगी तहे। मसाला डाला, चावल डाले, फिर मसाला डाल के फिर चावल डाल के इस तरह से मैंने तीन लेयर्स कर ली हैं। ऊपर से डाल दिए हरी मिर्चें और डाल दूंगी जर्दे का रंग और इसको मैं दम लगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।